माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर समाधान यात्रा पर। कुछ याद ताजा करा दें आपको खगड़िया जिला का। वही खगड़िया जिला है जहां राजद के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बाद भी सभा मंच पर चढ़ने नहीं दिया था समस्याओं को लेकर, जिसके साथ गलभैया किए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आज वो भी साथ बैठे हैं। वहां की समस्या का समाधान आपने नहीं कर सका। घटना दशक पूर्व की है, परंतु खगड़िया आज भी बदहाली में जी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा यहां मक्का उद्योग के लिए काफी सहायता की गई, पर आपकी सरकार ने पूरा होने नहीं दिया। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने कोसी क्षेत्र में विकास हो, 5,000 लोगों को रोजगार मिले, करीब 25,000 लघु सीमांत किसानों को फायदा हो, इसके लिए खगड़िया में 127 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बनाने की स्वीकृति दी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से वो आज तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र की योजनाओं को लेकर आपकी नीयत कभी ठीक नहीं रही है। आप केंद्र की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने के क्रम में यह भूल जाते हैं कि इससे बिहार का विकास बाधित होता है। आपने जो खगड़िया का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए किया और यहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाया, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों जवाब दें, समस्या का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आग्रह है कि आप हर वर्ष कटाव की तबाही, बाढ़ की तबाही झेलने वाले खगड़िया जिला के लघु सीमांत ग्रामीण लोगों का हाल को थोड़ा जानने का प्रयास करें। रोहियार पंचायत के लोगों से जाकर मिलें और बताएं कि 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए आपने उनके समस्या का कैसे समाधान करने की कोशिश की। बाढ़ की मार से लघु सीमांत किसान मजदूर की समस्या का निदान कब तक होगा, इसकी समीक्षा करें, इसका समाधान करें। दारू और व्हाइट जहर की खुलकर बिक्री हो रही है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पैक्स अध्यक्ष चंदन यादव की हत्या हुई, उस मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी महीनों बाद भी नहीं हुआ। पुलिस की वर्दी में अपराधी घर में घुसकर लोगों की जान ले लेते हैं और आपका तंत्र सोते रहता है। भरे बाजार में मनोज शाह और उसकी पत्नी की हत्या हुई, यह गुंडा राज का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुंडा राज का जिम्मेवार कौन है, इसकी भी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री जी, यही खगड़िया जिला है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जिनके नाम पर आप राजनीति करते हैं,